चयन साथियों, देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस में नई भर्ती आ चुकी है। नई भर्ती की सूचना कई जगह पर आ गई है। ये हिंदुस्तान पेपर में आई है, अमर उजाला में आई है, दैनिक जागरण में आई है, तीन तीन पेपरों में आई है। आप लोग कहते हैं कि बार बार ये खबर फेक आ रही है, अभी कुछ नहीं आने वाली भर्ती, तो ऐसा नहीं है। आज तीन तीन पेपरों में आई है, तो तीन पेपरों में गलत नहीं होगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं तीनों पेपरों में आई है खबर। अगर गलत होती है तो एक पेपर में आती है, दो में आती, लेकिन कई सारे पेपरों में, तीन में नहीं ज़्यादा पेपरों में आई है कि भर्ती आने वाली है। तो ये बहुत जल्दी भर्ती आने वाली है। जैसे इस पेपर में लिखा हुआ है हिंदुस्तान वाले में 14,000 जो पद हैं वे मेडिकल वाले, जो डॉक्टर, जो पैरामेडिकल डॉक्टर होते हैं उनके। उसके बाद 35,000 ये हैं यूपी पुलिस के कांस्टेबल के, यूपी पुलिस कांस्टेबल के 35,000 पद ये आया है हिंदुस्तान में। उसके बाद एक दूसरे न्यूज पेपर में आया है 35,757 पुलिस यूपी पुलिस में, ये भी आया 35,000। इसमें पीएसी के होंगे, सिविल पुलिस के होंगे, फायर के होंगे। इसमें ये भी लिखा हुआ है देखिए 3,000 एसआई के, 3,000 सब इंस्पेक्टर के पद होंगे, इसमें ये लिखा हुआ है। और एक पेपर में भी लिखा, तीन तीन पेपरों में लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि भर्ती अब नहीं आएगी, भर्ती आने वाली है, बहुत जल्दी आने वाली है। उसका रीज़न है कि भर्ती आने का रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि बहुत जल्दी लोकसभा चुनाव आने वाला है। लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाले हैं, तो उसके दृष्टिगत सरकार को भर्ती करानी है, दिखाना है कि हमने इतना काम किया है। अब कह रहे हैं वो लोकसभा चुनाव तो केंद्र सरकार में होगा, तो केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ से सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं, तो इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार भी दिखाएगी हमने इतना सारा काम किया है और ये सब किया है। इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती आने वाली है, बहुत सारी भर्ती आएंगी, पुलिस में नहीं हर विभाग में भर्ती निकलेंगी। इसलिए आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि पहले से बहुत सारी भर्ती चल रही हैं। खेल कोटे में जो आपका खेल कोटे से 534 पदों पर कांस्टेबल के पदों पर भर्ती चल रही है, जो भी चल रही है उसके 1 अक्टूबर से 5 नवंबर तक अप्लाई किए गए थे फॉर्म, वो चल रही है। एक चल रही है लिपिक वाली भर्ती के कई सारे चरण पूरे हो चुके हैं, बस अंतिम चरण में उसका फाइनल मेरिट बाकी है, तो वो जल्दी खत्म हो जाएगी लिपिक वाली भर्ती। ये 534 कांस्टेबल जो खेल कोटे से भरे जा रहे हैं ये भी चल रही है, जिसमें केवल स्पोर्ट्स वालों के पास, जिनके पास वो होते हैं उनके लिए ऑफर है। उसके बाद अभी भर्ती आने वाली है, तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें कि भर्ती नहीं आएगी। आप अपना तैयारी शुरू कर दें, बहुत जल्दी भर्ती आने वाली है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी से जल्दी भर्ती आएगी। इसलिए आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। और यू पुलिस का जो सिलेबस होता है आपने वो देखिए, वो देखा ही होगा, बहुत ही आसान सिलेबस होता है। केवल उसमें जी की होती है, हिंदी होती है, मैथ होती है और रीजनिंग होती है, ये चार सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद यही सब्जेक्ट तो होते हैं यूपी पुलिस में, और यही होते हैं एसएससी जीडी में जो हिंदी होती है, इसके साथ में इंग्लिश भी आ जाती है, यानी हिंदी और इंग्लिश इन दोनों में से एसएससी जीडी में एक चेंज करना होता है। लेकिन यूपी पुलिस में जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, ये चार सब्जेक्ट होते हैं। इसलिए आप इन चारों की तैयारी करें, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं पेपर। जो लंबे समय से तैयारी करता है उन्हीं को मंजिल मिलती है। जो कुएं के मेढक रहते हैं, बरसाती मेढक वो होते हैं जो केवल परीक्षा आएगी तो तैयारी करेंगे, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं, तो उनको कभी भर्ती नहीं हो पाती, वो किसी ना ऐसा ही भर्ती हो पाएंगे, ना कांस्टेबल में ना किसी और में भर्ती हो पाएंगे। इसलिए आप अभी से तैयारी करें, भर्ती आएगी, भर्ती बहुत जल्दी आएगी, जरूर आएगी, हमारा दावा है। इसलिए आप तैयारी शुरू कर दें, भर्ती आएगी। ये मत सोचें आप कि भर्ती कब आएगी, पता नहीं कब निकलेगी कब ना निकलेगी, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें, भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है। आप बस अपनी तैयारी शुरू कर दें, जो लंबे समय से तैयारी करेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। जो भर्ती आती है फॉर्म भरते हैं उसके बाद फिर तैयारी शुरू करते हैं, तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। इसलिए हम तैयारी अपना जारी रखिए, और बहुत जल्दी जनवरी तक आपसे बताया जा रहा है, देखना स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको विश्वास नहीं आ रहा, जनवरी तक भर्ती आ जाएगी आपके पास। इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखाया जाएगा, क्योंकि अगर गलत होता तो एक पेपर में नहीं आता, इतने सारे पेपरों में नहीं आता, केवल एक न्यूज़पेपर में आता, लेकिन सभी न्यूज़पेपरों में दिखाया जा रहा है, तो ये गलत नहीं है। यानी जल्दी से जल्दी भर्ती आने वाली है, इसलिए आप तैयारी शुरू कर दें और रेगुलर तैयारी करें, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकता है। जय हिंद।